मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि अगर आपके पास दो किस्म के ग्राफ हैं, एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और वीटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उनका ग्राफिकल एनालिसिस कैसे होगा, ग्राफ्स क्या शो करते हैं, तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे आपके पास कौन सा पहला टाइप का ग्राफ गिवन है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दो टाइप के ग्राफ हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास एक्सटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप अगर इसकी स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या देगी आपको? इसकी क्या देगी? वेलोसिटी नहीं देगी, स्पीड देगी, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन की तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो तो स्पीड भी क्या है इसमें? जीरो है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, इसमें स्लोप कॉन्स्टेंट है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्पीड। तो स्लोप कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या शो करता है? कि स्पीड भी कॉन्स्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्पीड भी कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर आपका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और हमने ये डिस्कस किया था अगर ग्राफ आपका लीनियर नहीं है, कुछ पैराबोला या कोई कर्व्ड है, तो आप क्या करते हैं? इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं और आप इसके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट का स्लोप आपको क्या बताता है? उसकी स्पीड की वैल्यू देगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी जो स्लोप है वो आपको स्पीड देगी, फिर यहाँ पर स्पीड देगी, यहाँ पर स्पीड देगी, यहाँ पर भी स्पीड देगी। आप पॉइंट चेंज करते जाएं, टेंजेंट ड्रॉ करते जाएं, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड्स पता लगती जाएंगी, राइट? ऐसे है। तो इसके अंदर आपका जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है इसकी स्लोप ऐसी है, फिर स्लोप बढ़ गई, फिर स्लोप बढ़ गई, फिर स्लोप बढ़ गई। तो टेंजेंट आप देख रहे हैं स्लोप बढ़ा रहा है, स्लोप क्या शो करती है? स्पीड। तो आप ये मान सकते हैं क्योंकि टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है तो इस ग्राफ में स्पीड ऑफ बॉडी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इस बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। तो दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इसका एनालिसिस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप कम 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 होती जा रही है, और स्लोप क्या देती है आपको? स्पीड। तो इसका मतलब इस केस में स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो रिटार्डेड मोशन है। तो मतलब कि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ देखते ही पता लगना चाहिए कि एक्सेलरेटेड मोशन है, कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे ये देखने में, डिसाइड करने में कि किस केस में स्पीड कॉन्स्टेंट है, किस में स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे मान लो ये केस है, इस केस में आपका जो टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। आप चेक कर रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम 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 कम। कभी डिस्टेंस कम हुआ है? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी चलेगी जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ का बढ़। तो लेंथ तो कभी छोटी नहीं होती, टाइम के साथ लेंथ तो बढ़ती जाती है, लेकिन ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ गलत है, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें चेक करें, ये आपका ग्राफ है, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका डिस्टेंस मान लो इतने और इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस इतने, मान लो ये 2 मीटर है, मान लो 10 मीटर है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक टाइम पे 2 मीटर भी कवर किया और 10 मीटर भी कवर किया? नहीं, एक इंस्टेंट पर एक ही डिस्टेंस आएगा। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर दो डिस्टेंसेस नहीं आ सकते। ये भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये ग्राफ है, इसके अंदर इस टाइम पे मान लो 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, फिर 20 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम तो बढ़ सकता है, पर टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डिस्टेंस हो सकता है, ये नहीं कि मल्टीपल डिस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके अंदर पहला केस है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप इसकी क्या है जीरो, तो वेलोसिटी क्या है जीरो, यानी कि बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट। सेकेंड केस है स्लोप क्या है कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट, बात खत्म। नेक्स्ट है स्लोप बढ़ती 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 जाएगी, टेंजेंट ऊपर ऊपर उठता जाएगा, तो स्लोप इसमें इंक्रीज होती जा रही है, जब स्लोप इसमें इंक्रीज होती जा रही है तो वेलोसिटी इसमें इंक्रीज होती जा रही है, तो ये केस एक्सेलरेटेड मोशन का है। सेम वही केस चल रहा है डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में कोई फर्क नहीं इसमें। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है अगर ये स्लोप नीचे 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 गिरती जा रही है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट केस है स्लोप, अगर मान लो कि स्लोप इस तरीके से जा रही है, हम बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव है, और अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव है। ऊपर जाने का मतलब स्लोप पॉजिटिव है, नीचे आने का मतलब स्लोप नेगेटिव है। मैथमेटिकली अगर इसे कैलकुलेट करें, तो आज हम कुछ करेंगे क्वाड्रेंट्स भी आज सीखेंगे, तो मैथमेटिकली जो इसकी स्लोप निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो टैन थीटा होता है, सबको मालूम है। इसमें एंगल जो लिया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसका एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, और अगर आप कोई टैन थीटा निकाल लें और थीटा ग्रेटर देन 90 है मैथ्स में, तो आपका आंसर पक्का नेगेटिव आता है। मान लो 90 डिग्री से अगर कम एंगल है टैन का, 45 डिग्री 60 डिग्री, फिर तो टैन पॉजिटिव आएगा, पर अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो टैन नेगेटिव आएगा। तो इस केस में जो टैन है वो नेगेटिव आएगा, टैन थीटा जब नेगेटिव आएगा, टैन थीटा क्या शो करती है स्लोप, तो स्लोप क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो स्लोप नेगेटिव आ रही है, अगर मैथमेटिकली नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है, हम नीचे आ रहे हैं स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप क्या शो कर रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि बॉडी ओरिजिन से दूर नहीं जा रही, बॉडी ओरिजिन के पास आ रही है, तो डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो क्लियर है यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव क्या शो करती है इसमें? ये तो तब जरूरत है पढ़ने की जब आप भूल जाएं कि मैंने क्या करवाया था, तो मैंने एक्सप्लेनेशन सारी लिखी हुई है, पर अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है ये केस है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पहले मान लो 10 मीटर है, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ 9 मीटर 8 मीटर 7 मीटर करते करते मान लो जीरो हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या शो करती है कि डायरेक्शन हैज चेंज्ड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब यू आर गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो एक्स पॉजिटिव है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, तो एक्स नेगेटिव हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। अब आप ये देखें, पहले डिस्प्लेसमेंट 10 थी, फिर जीरो हो गई, फिर मान लो माइनस 10 हो गई, मतलब मान लो मैं एक कार चलाता हूँ, एक गाड़ी में मान लो मैं ओरिजिन से दूर हूँ, मान लो मेरा ओरिजिन वो रहा दीवार ओरिजिन है, मैं उस दीवार से 10 मीटर पे हूँ और मैं अब उस दीवार की तरफ जा रहा हूँ, ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ मान लो, तो ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है कम हो रही है, या उल्टा चलो और बेटर एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मान लो मैं यहाँ से सामने जा रहा हूँ और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 10 है, अब 10 9 8 करते करते मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहा हूँ। अब जीरो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। इसका मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ हूँगा, सामने से स्टार्ट हुआ हूँगा, सामने से स्टार्ट होके अब मैं 10 मीटर दूर आ चुका हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ जीरो डिस्प्लेसमेंट करने, ताकि मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हो जाऊँ, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 10 9 करते 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 क्या हो रही है जीरो। अब मुझे ओरिजिन पे रुक जाना चाहिए था, ओरिजिन पे अगर मैं रुकता तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 10 से क्या हो जाती जीरो, बात खत्म, पर मैं ओरिजिन और आगे क्रॉस कर गया, अब कौन से एक्सिस पे चला गया, नेगेटिव एक्सिस पे चला गया, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, पहले मैं इधर को पॉजिटिव मान रहा हूँ लेकिन अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये शो करती है कि आपने डायरेक्शन को क्या कर लिया चेंज कर लिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? जैसे चलो
सपोज मेरे पास एक बॉल है, बॉल मेरे हाथ में है और ग्राउंड को मैं ओरिजिन मानता हूँ, तो इमेजिन करो कि बॉल मेरे हाथ में है और बॉल की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी यहाँ पर 10 है, बॉल नीचे गिर रही है 9, 8 करते 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 0, तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट 10 करते करते 0। अब बॉल टकरा के, मान लो वो एनर्जी लॉस नहीं है, बॉल टकरा के मेरे हाथ में वापस आ गई, अब डायरेक्शन बॉल की नीचे की मान लो पॉजिटिव थी तो ऊपर की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वेक्टर में सीखा तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अगेन नेगेटिव हो गई। तो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के बाद डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसका मतलब आपका ग्राफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जाएगा, स्पीड में नहीं जा सकता, डिस्टेंस में नहीं जा सकता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यही शो करती है डायरेक्शन हैज चेंज, जो आपकी पहली जर्नी थी जाने की एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको शो करेगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने पहला ग्राफ कौन सा किया, डिस्टेंस टाइम, फिर कौन सा किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब कौन सा कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो चीज़ें हमने सीखी थी, पहली वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। राइट, क्लियर है? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप जीरो है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर है यहां तक? यहां पे स्लोप कांस्टेंट है और वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी केस क्लियर है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें और इसमें ये फर्क है, जब बॉडी चली थी तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या थी, जीरो, और जब इसमें बॉडी चली तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, तो अदरवाइज एक्सेलरेशन दोनों केस में कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या है इसमें, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आपको उसकी जो स्लोप है वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर मैं किसी पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूं उसकी स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पर स्लोप बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो मेरी स्लोप बढ़ती जा रही है ऊपर ऊपर जाते हुए तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यानी कि इसमें नॉर्मली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है पर ऐसे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। उसी तरीके से अगर ये स्लोप नीचे गिर रही है नीचे गिर रही है नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देती है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रही है इसमें डिक्रीज हो रही है। इसके अंदर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। वैसे भी दिख रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। तो ग्राफ का एनालिसिस समझ में आ रहा है, देखते हैं कि कैसे आपको समझना है इसे। जैसे अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आप इसके अंडर एरिया निकाल लें, तो अगर आप इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकालें और सबको ऐड कर दें, आप कहेंगे ऐड कैसे करें, ये वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें इसके एरिया का भी मैग्नीट्यूड लें और ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अंदर आपने तीनों एरियाज को ऐड करना होता है, चाहे नेगेटिव एरिया आ रहा है तब भी आपको ऐड करना है। लेकिन अगर आप इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया करें, तो नीचे का एरिया माइनस करें, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए थे, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने डिस्कस कर लिया ये, हमने एक्सटी ग्राफ किया था जब मैंने 10 मीटर 9 मीटर बोला था, इसके अंदर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड है और थोड़ी देर में वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, और फिर कितनी हो गई, मान लो -10 हो गई, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई और फिर नेगेटिव हो गई। अब इमेजिन करो मैंने एक बॉल ली, बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ऊपर वेलोसिटी 10 है, 8 है, 7 है, 6 है, 0 हो गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, 0। तो बॉडी मेरे हाथ से चली, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब बॉल कहाँ आएगी, मेरे हाथ में। अब डायरेक्शन ऊपर की अगर पॉजिटिव है तो नीचे की डायरेक्शन
नेगेटिव है, तो देखो वेलोसिटी 0 से 1 2 3 4 करती करती -10, -10 का मतलब कि जाते हुए +10 आते हुए -10, तो जाना मतलब पॉजिटिव आना मतलब नेगेटिव, तो यानी कि डायरेक्शन हैज चेंज्ड, क्लियर है। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ, हमने अभी क्या डिस्कस किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम क्या डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं, क्योंकि स्पीड किससे बनी है डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं। तो इमेजिन करो सेम केस है, आपने बॉल को क्या किया ऊपर फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 10, तो वेलोसिटी 10 9 8 करते करते टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी 0, तो ये देखो ये 10 9 करते करते 0। अब अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ होता तो वेलोसिटी 0 से मेरे हाथ में बॉल करती करती इंक्रीज होती हुई आती 0 1 2 3 4 करते करते 10, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ग्राफ नीचे बनता, पर स्पीड का ग्राफ तो नीचे बनता ही नहीं, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए फिर से स्पीड 10 9 करते करते 0, फिर 1 2 3 4 करते करते +10, -10 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि स्पीड तो स्केलर है, स्पीड में डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज लेनी होती है और वैल्यूज तो पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए ग्राफ कभी नेगेटिव कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा, ग्राफ हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है यहां तक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी का बॉल का ऊपर और नीचे आना ऐसे बनेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है अगर मैंने बॉल को ड्रॉप किया ऑन द ग्राउंड फ्रॉम सर्टन हाइट, तो स्पीड जैसे सपोज करो मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल रेस्ट पे है, यू इज इक्वल टू 0, बॉल को मैंने गेर दिया, नीचे गई नीचे गई नीचे गई नीचे गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हिट किया ग्राउंड को, मान लो एनर्जी लॉस नहीं है, टकरा के ऊपर आएगी 10 9 करते 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 कितनी 0। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ इसकी, तो ये देखो स्पीड पहले क्या थी 0, मेरे हाथ में रेस्ट पे थी बॉल 0, स्पीड बढ़ गई करते 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 कितनी हो गई 10, फिर ज़मीन से टकराई और फिर क्या हो गई स्पीड क्या होगी वापस से 0, मतलब बॉल को यहाँ से छोड़ा मैंने स्पीड 0, नीचे टकराई मान लो 10 मीटर पर सेकंड से टकराई, फिर 10 के बाद मेरे हाथ में आ रही है तो फिर से रेस्ट पे आ जाएगी 0, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं है इसलिए ये ग्राफ क्या बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा। समझ में आ रहा है ग्राफ का एनालिसिस कैसे होगा इसमें, ये वाला इसमें मैंने बॉल को ऊपर फेंका था, ऊपर वाले ग्राफ में मैंने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका 10 9 8 0, फिर मेरे हाथ में फिर 10 से स्टार्ट होके 10, अब मैंने बॉल को ड्रॉप किया नीचे फेंका ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे हिट करते हुए 10, मेरे हाथ में वापस आते हुए 0, तो ऊपर फेंकना और नीचे फेंकने में ये उल्टा ग्राफ बन जाता है। ठीक है यहां तक। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ सुना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सुना, स्पीड टाइम ग्राफ सुना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सुना, हमने अपनी थ्योरी में कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं किया, सुना ही नहीं हमने, एटी ग्राफ का बोला मैंने, बोला ही नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि इसकी स्लोप क्या कहलाती है, कुछ नहीं, बस आप ग्राफ देखते हैं एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, हर टाइम पे एक्सेलरेशन सेम है, हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इसमें इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, खत्म। इस केस में ये इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में जरूर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आने वाले टाइम में, कि मान लो ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं, याद रखना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकालते हैं एरिया निकालते हैं, तो जैसे इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, आप कहेंगे प्लस करने नहीं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो यानी कि नेगेटिव एरियाज को आपने नेगेटिव लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन स्केलर नहीं है एक्सेलरेशन वेक्टर है, और वेक्टर में नेगेटिव को नेगेटिव लेते हैं, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया आपको हमेशा क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी, ये याद रखना आपको हमेशा क्या मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे चेंज इन वेलोसिटी मिल सकती है, तो आप ऐसा समझें कि जैसे सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ये ए है
या एक्सलेशन कांस्टेंट है इसमें ए, एक्सलेशन कांस्टेंट है मेरे ग्राफ में ए, तभी तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, और टी टाइम तक गाड़ी चलती है, टी टाइम तक कार चली और एक्सलेशन कांस्टेंट है। मैंने आपसे ये कहा कि आप प्लीज़ इसके अंडर मुझे एरिया बताइए क्या होगा, तो बोलो क्या एरिया होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि ए इंटू टी, वाई एक्सिस में ए है, एक्स एक्सिस में टी है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू टी, तो एरिया आ गया। आप मुझे एक बात बताएं, वी का फॉर्मूला क्या होता था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और आपने एरिया क्या निकाला, ए टी, तो एरिया आपको क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वी माइनस यू देगा आपको। तो पॉइंट समझ में आया कि जब ए और टी का ग्राफ बनेगा तो ए और टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए टी हमेशा क्या होता है, वी माइनस यू, तो इसलिए इसको वेलोसिटी नहीं बोलते, इसको चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको ए टी ग्राफ देगा, आप एरिया मान लो आप निकाल देंगे, 10 एरिया आ गया, फिर वो कहेगा अलग से कि जब ये बॉडी चली थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी निकालो, मतलब आपको एरिया ग्राफ से तो एरिया पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी अलग से देगा, फिर आपसे क्या पूछ लेगा, फाइनल वेलोसिटी। पर आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए टी ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये रिजल्ट है। अब जो मैंने आपको ये टॉपिक करवाए, ठीक, तो ये इन टॉपिक्स में स्पीड टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए टी ग्राफ है, ये सब कुछ इसमें गिवन है, ठीक। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो ये इसकी बेसिक्स जो है, ये थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक, ग्राफ की थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है। आपने अब क्या करना है, इसके इस शीट में कुछ ये एग्जांपल्स हैं, देख रहे हो, ये एग्जांपल्स वैसे तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, राइट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे उसका एग्जांपल ऐसे, ये एग्जांपल मेंस और नीट में कई बार पूछ चुके हैं, ऐसा एग्जांपल है तो एनसीईआरटी का, पर आपके कॉम्पिटिशन के अंदर भी आपको ये दिखेगा, बेसिक्स है ना, क्योंकि वी टी ग्राफ ए टी। मैं ये चाहता हूँ ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अच्छा ये मैंने सॉल्व किए हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप एक बार इसे देख के आएँ, अगर आप देख के भी समझ लें तो भी ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो ये आपका होमवर्क है, तो अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार खुद एक बार इसे ट्राई करके बैठे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम भी एक्सेलरेशन देता है, हम निकालते हैं वीटी ग्राफ से हैं तभी तो स्पीड से निकाल, स्पीड सबसे कम यूज होती है। सरताज, सरताज चेक कर लो, ऑनलाइन है, दिवांश अग्रवाल नहीं है, ये लो, ओके देखो, अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ना,